मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं कोहड़ा फूल की रोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और हमने यहाँ कोहड़ा का फूल लिया है, देखिए इस तरह से होता है। और अभी अच्छे से फूल को बनाएंगे। देखिए डंठल को पकड़ेंगे और फूल को अच्छे से तोड़ के निकालेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे इसमें कीड़ा मकोड़ा है कि नहीं। देखिए इसी तरह से सारी फूल को बनाएंगे। और हमने यहाँ सारी फूल को बना के रख लिया है और अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे देखिए एक फूल के अंदर एक फूल को डाल के इसी तरह से करके रखना है ताकि बनाने टाइम आसान हो जाए। हमने यहाँ पहले से चावल को भिगो के रखा था और चावल फूल गया है, हमने इसे धो के अच्छे से रख लिया है। अब चावल को एक मिक्सी जार में पीस लेंगे। देखिए चावल को हमने पीस के रख लिया है। अब एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। और चावल का घोल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा पतला रखेंगे। देखिए थोड़ा सा और पानी देंगे। देखिए इतना पतला रखना है। इस तरह से पतला रखना है। उधर हमने तावे को गर्म होने के लिए चढ़ाया है। अब उसमें तावे में रिफाइंड तेल देके अच्छे से फैला देंगे। और एक फूल को पकड़ेंगे और इसी तरह से चावल का घोल में उसे डुबो के तावा में डालेंगे। देखिए इसी तरह से डालना है और इसे मीडियम आंच में बनाना है। अब इसे पलट देंगे। और दोनों साइड तेल लगाएंगे और दोनों साइड अच्छे से पकाएंगे।
और दोनों साइड गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी लगे। देखिए कितना अच्छा बन गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से दोबारा से डालेंगे। और इसे भी दोनों साइड तेल लगाएंगे और अच्छे से पकाएंगे। इसी तरह से सारी रोटी को बनाना है। और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ये बनके रेडी हो गया है। अब इसे भी निकाल लेंगे। और रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल